दोस्तों आज इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले और रिव्यू करने वाली ये तीन डिफरेंट डिफरेंट जो है फाइटर टैंक की, जो कि अलग अलग ब्रांड की तरफ से आती है। पहला ये है सेंसी की तरफ से, जो कि आप देख सकते हैं बैटल टैंक है इंडिया के, इसके ऊपर फ्लैग है और ये इंडिया की जो हमारी बैटल टैंक है इसका नाम है T20 अर्जुन। तो ये पुलबैक टेक्नोलॉजी पे आती है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 199 रुपए की MRP है, 130 रुपए में हमें मिली है। पीछे कुछ स्टेटस देखने को मिल जाएगा इंडिया के, इसके ऊपर जो है बैटल टैंक और इसका जो ये हेड है बेसिकली जो गन बैरल है ये आपका रोटेटेबल है और पुल बैक जो है वही मेंशन किया गया है। दूसरा जो है हमारे पास ये है लोकल, ये भी हालांकि इंडिया के उस पर में दिया गया आपको टैंक। ये बैटरी ऑपरेटेड टैंक है जैसे कि देख सकते हैं फोटो पे, ये हमें मिली 90 रुपीज की। और तीसरा जो है हमारे पास ये है रोबोटिक टैंक, जो है आपका टैंक जैसा आपको दिखेगा और साथ साथ ये रोबोटिक भी आपको आएगा इस तरीके से कुछ, ये देख सकते हैं। तो ये कन्वर्टेबल है। तो हम दोनों को तीनों को अनबॉक्स करते हैं। तो अगर आप तीनों में से कोई खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दें, जाकर के चेक कर सकते हो। और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे जो इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है T20 अर्जुन इंडिया की, यहाँ पे मेंशन की गई हमारे कंट्री का नेम और इसकी पीछे की व्हील्स। तो प्लास्टिक क्वालिटी की है, ठीक ठीक क्वालिटी में आपको ये मिल जाती है जैसा कि इसके ऊपर मेंशन। ओके, तो ये भी जो है कम्प्लीटली ये रोटेट हो रहा है जो ऊपर का पोर्शन है, और साथ ये जो गन बैरल है ये भी ऐसा कुछ, तो ये भी रोटेट हो रहा है और ये भी रोटेट हो रहा है। और पीछे में ब्रांडिंग की गई है सेंसी की, मेड इन इंडिया कंपनी। देख सकते हैं फुल बैक टेक्नोलॉजी पे, और इसको रख लेते हैं साइड में, आते हैं दूसरे दिन बॉक्सिंग करते हैं। दूसरा जो है कुछ इस तरीके से टैंक देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी इंडियन आर्मी की आपको दी गई है, इंडिया का यहाँ पे फ्लैग है और इंडिया लिखा गया है सामने से मिलिट्री टैंक। ये है बैटरी ऑपरेटेड, तो इसके अंदर हमने बैटरी डाल रखी है, आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखिए इसके अंदर बैटरी हमने लगा रखी है और इसको ऑन कर देते हैं क्लोज, और इसको ऑन करके दिखा देते हैं आपको। इसकी जो लाइट है ये ब्लिंक कर रही है और साथ साथ इसका व्हील है काफ़ी रफ टाइप का व्हील बनाया गया ताकि किसी भी पर्सन से आसानी से चल सके। तो काफी स्ट्रॉन्ग होने हैं। चलिए इसका हो गया हमारा टेस्टिंग डन, इसको रख देते हैं साइड में। अब आते हैं सबसे बड़े वाले टैंक की तरफ, ये है रोबोटिक टैंक, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो रोबोट टैंक है बेसिकली इसके अंदर, ये भी बैटरी ऑपरेटेड है, ये फायरिंग भी करेगा और साथ साथ ये रोबोट में बन करके कन्वर्ट भी हो जाएगा टैंक के फॉर्म में, आपको दिखेगा। इसके ऊपर जो कुछ फीचर्स वगैरह हैं, 3D लाइट्स है, कॉम्बैट साउंड है, डिफॉर्मेशन। तो बाहर निकाल लेते हैं इसको, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है। ये इसका जो है फायरिंग बैरल है, गन बैरल, ये थोड़ा सा फील आ रही है बिल्कुल रोबोट जैसा जो है, ये जो प्रॉपर टैंक जैसा फील आ रहा है। इसमें वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है, ये देखिए नीचे से आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिले। इसकी क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक क्वालिटी बढ़िया है। हालांकि ये जो है ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन चाइना है। ये हमने कुछ खरीदी थी 450 रुपीज़ के, आई थिंक 500 के लमसम में, कुछ एग्जैक्ट हमें ध्यान नहीं है। इसको हम कर सकते हैं बाहर। इसके अंदर भी आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, 3AA की बैटरी जो हमने यहाँ पर लगा दी है, 3AA की बैटरी। अब इसको हम करते हैं ऑन, देख सकते हैं इस तरीके से ये काम करता है। तो आज हमने ये तीनों टैंक जो आपको दिखा दिए इस वीडियो के अंदर, सबसे सस्ता वर्जन, उससे महंगा वर्जन और उससे महंगा वर्जन, ये देख सकते हैं, जिसमें से दो बैटरी ऑपरेटेड है ये वाली और ये जो है पुशबैक वाली
सबसे ये उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बोलो अगर कंपेयर करें उससे ज़्यादा बेटर ये है, ये भी 100 रुपीज़ की है और ये 130 रुपीज़ की है। तो ओटा जो है ये ज़्यादा चीपर वेरियंट है और ज़्यादा बढ़िया आपको देखने में मिलेगा और बढ़िया ही काम करेगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए।